उत्पादन बंद है, नई क्रॉप की कटाई भी नहीं हो रही है। हम लोग का एस्टिमेटेड टाइम होता है, हम लोग 20 मार्च के पास पुराना स्टॉक ख़त्म कर देते हैं, बट गेहूँ के आवागमन नहीं होने की वजह से ज़िले के अंदर आटे की किल्लत भी है, बल्कि ये किल्लत पूरे प्रदेश भर में है। हम लोग 10 जिले में हमारा माल बिकता है, अभी माल कहीं सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है। काफी दिक्कत हो रहा है। जी हाँ, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग को तो मान लीजिए 10 दिन मेंटेनेंस वर्क में भी निकाल लेंगे, लेकिन आम जनता को बहुत कठिनाई होगी आटे की वजह से। आने वाले समय में और काफी दिक्कत होगा अगर गेहूँ नहीं उपलब्ध होता तो। गेहूँ उपलब्ध नहीं होने से नेचुरली दिक्कत तो होगा, लेकिन उपलब्ध अगर हो जाए गेहूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा बनाने में। नहीं, गेहूँ उपलब्ध होने के बाद बनाने की कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के लेबर मिल परिसर में रहते हैं, इनके बाहर आने जाने का भी या कहीं कुछ कराने का दिक्कत नहीं रहता। क्या नाम है सर? मेरा नाम मूलचंद गोलछा, ये फ्लोर मिल का मैं डायरेक्टर हूँ। सर, कोविड 2019 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन किया हुआ है और सरकार से हम लोग को आदेश आया है कि जो आवश्यक वस्तु है वो बाजार में कमी नहीं, खास करके दाल चावल आटा मसाला ये सब। तो चूंकि फारबिसगंज में दो बड़े आटा फ्लावर मिल्स हैं, तो इनके यहाँ हम लोग देखने आए थे कि चूंकि इनके द्वारा बताया गया कि गेहूँ नहीं है, जिसके कारण ये आटा नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग गेहूँ इनको कैसे उपलब्ध करवावें ताकि आटा ये बनाएं और खुदरा विक्रेता तक आटा समय पर पहुँचे, ताकि हमारे जिले में स्कार्सिटी नहीं हो आटा का। इसलिए हम लोग इस फ्लावर मिल का कैपेसिटी देखने के लिए आए थे और कैसे ये आटा बनाते हैं, कैसे सप्लाई करते हैं, वही देखने के लिए आए थे। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।